बोली बस तू बता बस ऐसा तगरु है दाता। संत समागम हरी कथा तुलसी जे दुर्लभ दो सुत द्वारा ग्र लक्ष्मी ए घर पाप्या के भी ओ। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो पग स्वामी धरो प्रभु त्यों त्यों यज्ञ समा। संत हमारी आत्मा और हम संतों की दे रोम रोम में रम रयो प्रभु ज्यों बादल बिच में। संत मिला इतना कड़े संत मिला जितना तले काल जाल जमचो शीश निवाया गिर पड़े अशिर माथे रापा। क्योंकि सत्संग रामायण जावणो हूं और सत्संग रामायण बैठना हूं भगवान की गुणगान करियो के कजूड़ा कर्म जिका कटे और नहीं गौर करे नहीं जन दो चार बिले चिपे भी है वह सत्संग रामायण ही मिले। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत द्वारा गृह लक्ष्मी है घर पाप्या के पात्र घर ही मिल जाइए। लेकिन संतारो समागम सत्संग हरि कीर्तन भगवान को भजन बिरले घरारो मायने बहुत बड़ा भाग आला हुए जिकारी आ महिमा हुए। तो कभी लोग संत महात्मा कहीं देखो सत्संग महिमा करे और कहीं कहे देखो अरे जे कोई लाभ है ले वे सत्संग वाह उतार दी। अरे जे कोई लाभ है अरे ले वे सत्संग अरे उनको खबर पड़ी साधो भाई अरे सत्संग हमारा दड़ी पाया रे हिरणा
ستسنى يا مرتدي
बड़े भाव जगा लगे बोले सतगुरु देव भगवान की सत संगंगा की मात पिता गुरुदेव की कितनी बढ़िया बात लिखी है सत्संग अमर जड़ी है जे कोई लाभ लियो सत्संग और उनको खबर पड़ी है आज सत्संग पहले भी और आज भी है और आगे भी अरे वेला सत्संग है जी की एक ही जा अमर है बाकी तो सब नाशवान है क्योंकि जन्म लियो जाने मरनो पड़सी और मौत नगर सिर फूटे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे ओ लारो तो भगवान का भजन करिए भाई कोई थोड़ा थोड़ो जीवन सफल हुए तो हुए नहीं जन मुश्किल है जन्म गया तो मरना बाकी है और मर गया तो जन्मना बाकी है तो संतों ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि प्रहलाद सत्संग कीनी सीरिया देव जी की हरि जी की खबर पड़ी है हिरणा कुछ ने थंब तपाया जद थंबे माई बात भरी है आ सत्संग अमर जड़ी है जे कोई लाभ लियो सत्संग और उनको खबर पड़ी है सुग्रीव सत्संग कीनी राम जी की आजद बांदर भोज बड़ी है कई ताकत थी वो उन बंदरों की जो रावण से जा अड़ी नरसी सत्संग कीनी पीपा दीरी अरसुई पर बात अड़ी है 56 करोड़ रो भरियो माई रो जद आए आप अरी है भगवान ने खुद ने आवनो पड़ियो क्योंकि भगत है जो भगवान ने बुला ले और वास्तव में भगवान तो भक्तों याद ही नोड़ा तिरलो किरो नाथ जाट के रह गयो आली भगवान तो आली को काटियो क्योंकि बचना में बन गया भजन अंतर में कबीर दास जी महाराज बड़ी अच्छी बात लिखी है कि लोहा सत्संग कीनी काट की बिना संग रंग नहीं लागे जित संग नहीं हो जित रंग नहीं लागे और रंग और सत्संग आलो और भगवान ने भजन आलो बड़ो एक पक्को हुए या तो लागे को नहीं और लाग दियो जाने पछे अर्जुन भाई पाछो उतरे को हाँ तो ओ है जी को क्या संता ने बताई है कि लोहे रमाइन एकार हुए और बार में वो बदनदार हुए और लकड़ी फाटपड़ी हुए नीचे की एकदम शीतल हुए क्योंकि बिरमाई ने अहंकार को हुए जी बिरमाई शीतलता हुए शीतल हुए जिको भाई तिरे और अहंकार हुए जिको डूबे जन संता ने कहा कि खिलो है जिको लकड़ी रमाइन ठरका अपना और पछे पानी में छोड़ दे तो बा पानी है जी की लकड़ी नहीं पार करे तो भी आगे आगे भी खिले नहीं पार कर दे तो संतोरी बनावड़िया सत्संग है और आप इरमाइन बैठा जगह सब सरोता है और इरमाइन हम लागो है बस भी खिलाल दे या खिलो फाटफड़ी भी लागे है जो आप इरमाइन लागना है लोहा सत्संग कीनी काट की जड़ पर न्याव तेरी है कहत कबीर सुनो भाई साधु आ तो बात खरी है बोलो भगत और भगवान की जय हो दो छोटा छोटा भजन और कर दो मंठा है मोड़ो हुए हगलारी बना यह ना क्रिया रखे भला मर्यादा है आप सत्संग हुए जागरण हुए हरि कीर्तन हुए पांच भजन पहली है रीति रिवाज हुए पचे गावना लावड़ा हुए जगह हगलारी हाजरी होया करे तो इस वास्ते थोड़ी हिम्मत रखिया